गर्ल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद उसके पास में जो बेल की घंटी दिखाई दे रही है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब जब नया वीडियो डालूं मेरे चैनल के ऊपर तो आप उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो शुरू करा जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐप के बारे में जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन बिना कुछ किए। मेरा मतलब आप हाइट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं घंटे पर घंटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम उसे आपके ही बात करेंगे। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ पर लिख कर सर्च करेंगे। तो आपको बैकग्राउंड वीडियो रिकॉर्डर लिखकर सर्च करना पड़ेगा। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए अब उसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहां से जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं उस दिन का डेट सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप टाइम सिलेक्ट कर लीजिए, एएम और पीएम जो भी डेट है सिलेक्ट करने के बाद, उसके बाद आप ड्यूरेशन पे जाके इस ऑप्शन पे जाके आप कितना देर तक ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो सेव कर दीजिए। तो मैंने 15 मिनट कर दिया करा हूँ। उसके बाद देखिए आप कौन से कैमरा से ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाहेंगे, फ़ोन कैमरा या बैक कैमरा। तो आप फ़ोन या बैक कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद इस रिपीट रिकॉर्डिंग को ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। उसके बाद इस यहाँ पे क्लिक कर दिए ताकि आपने ये जो किया वो सेव हो जाए। सेव होने के बाद आज इस बार हम अब फिर बात करेंगे इस सेटिंग के बारे में। तो उसके बाद आप सेटिंग पे जाइए, ये ऐड आ रहा है। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग कंप्लीट के नोटिफिकेशन भी ऑफ कर दिए, ताकि आपका जब वीडियो डाउनलोड रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपका नोटिफिकेशन आपका आए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको ऑफ कीजिए। उसके बाद इस वाइब्रेंट मोड भी ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, ताकि आप जब वीडियो स्टार्ट करें तो कोई वाइब्रेंट मोड ना ऑन होए, ठीक है। उसके बाद हम दिखाते हैं कुछ। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप वहां से वीडियो आइकॉन को लोकेशन कर दीजिए, और इसका फ्लैश लाइट नहीं कर सकते हैं तो आप स्पोर्ट पे कर दीजिए, और इस लोकेशन को आप सीपीयू मॉनिटर पे कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं तो कर दीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को इसके आपका गैलरी से हाइड कर सकते हैं, तो इसको हाइड कर दीजिए और उसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को अपने फ़ोन से हाइड करना चाहते हैं तो उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपका वीडियो अपने एसडी कार्ड पे सेव होए और आप उस वीडियो को फ़ोन के चिप में ही वो वीडियो रहेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप पासवर्ड भी दे सकते हैं, इस ऐप में पासवर्ड भी दे सकते हैं, कुछ भी देख लीजिए। उसके बाद आप इस कस्टम नोटिफिकेशन बार पे आइए, यहाँ से जाके इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन टाइटल बार में जो लिखा है आप इसको पूरा काट दीजिए, ताकि आपका जो वीडियो जब रिकॉर्ड हो तब उसका नोटिफिकेशन बार में कुछ ना दिखाए। तो उसके बाद काट के पूरे एक सेव कर दीजिए। उसके बाद यह भी सेपी करके स्पेस करके कॉपी ओके कर दीजिए। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन का कुछ भी ये कर दीजिए, मैं ये कर देता हूँ। बस यही सेटिंग था यहाँ पे, और अब देखते देखते मेरा आपका ये ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद अपने यहाँ पूरा सेटिंग कर ली है, उसके बाद आप यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप नो थैंक्स करके आप यहाँ से निकल जाइए। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, ऐप चला गया। तो आपके अपना फ़ोन पे होम सीन पे ऐसा आपने जो किया था उसका ऐप आ गया। आप यहाँ से सिर्फ दबा दीजिए और अपना आप देख सकते हैं अपना रिकॉर्डिंग अंदर में स्टार्ट हो गई है। तो
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को कुछ भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आऊँगा और आप वीडियो को देख सकते हैं।